हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू चैनल। आप लोगों का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल पर। और अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वैसे एलटी टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस होते हैं इसके आपको 10 पार्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, हो सके तो सेकेंड पार्ट तक भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट वो कोटेशंस हैं इंग्लिश लिटरेचर की जो कि आप लोगों को काफी बार रिपीटेड हैं और काफी बार पूछी जाती हैं और आगे वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये पूरे कोर्स का ही पार्ट है हमारे, जो एलटी का हमारा कोर्स है उसी में आप लोगों को ये पीडीएफ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Thy soul was like a star, ये वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन, मिल्टन के लिए कहा था ये। गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे, काउंसिल टू गर्ल्स, ये वर्क है आप लोगों का, वर्क का नाम है। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, तो ये आप लोगों के डायरेक्टली आंसर्स हैं जो बहुत सालों के पेपर से लिए गए हैं। ड्राइडन टू चौसर, हियर लाइज माय वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो आई एम, ये दोनों के दोनों ड्राइडन वाइफ्स एपिटाफ, एपिटाफ पे लिखा हुआ है। ओके, ड्राइडन की वाइफ का। The restoration marks the real moment of birth of our modern English prose. ये अर्नोल्ड की quotation है। A long poem in mind and partially on paper which I am wishful to finish. T.S. Eliot ने Wasteland के लिए इसको लिखा था, इस line को। The one red leaf, the last of its clan, that dances as often as dance it can. कॉलरेज क्रिस्टबल पोएम का नाम है। अगर आप लोगों ने पिछले हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप लोग यहाँ पर बताइए कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को 100 लिटरेरी टर्म्स के शॉर्ट मीन्स वन लाइन या वन वर्ड में एक लिस्ट दूंगा, बहुत जल्दी देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है हमारी तो आप लोग आंसर में लिखिए कि कौन सा लिटरेरी टर्म इसमें यूज हुआ है। सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक अलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर व्हिच मे मेक द मेटल वर्क फॉर द बेटर बट इट एम्बेसेथ इट, ये कहां से लिया गया है? ये है आप लोगों का फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रुथ से। अ प्लेस सिविस द मैन and it see with some of the better and some to some the worse of great place. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. This quotation is from Macbeth. Thy royal throne of things, the sanctuary isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi paradise, lost of Gaunt, Duke of Lancaster. अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आपको डेली कुछ ना कुछ रटना जरूर है। ठीक है, आप मगअप कीजिए, यू हैव टू मगअप फैक्ट्स डेली। दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बना के रखिए कि आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी है, रैपिड रीडिंग कीजिए, बहुत स्पीड रीडिंग कीजिए, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ लिस्ट जो है उनको बनाइए। अगर आप हमारे कोर्स के साथ में कर रहे हैं तैयारी तो उसमें तो आप लोगों को जो लिस्ट मिली है 50+ लिस्ट, आप लोगों को 50+ पेजेस मींस लिस्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। पेजेस तो ऐसे 200+ पेजेस है, लेकिन अगर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो लिस्ट बनाइए और कुछ ना कुछ रटते रहिए। ठीक है, आपका अगर 6 महीने बाद होता है तो जो आप रटेंगे ना डेली, ये मत सोचिए कि नहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। नहीं, टीजीटी पीजीटी एलटी लेवल का एग्जाम आपका रट कर भी क्लियर हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, स्पीड रीडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और कार्ड्स, कार्ड्स जरूर बनाइए, डेली कार्ड्स बनाएंगे तो उससे आपको चीजें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो चारों चीजें करते रहिए तो आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी लिटरेचर पार्ट में टीजीटी पीजीटी लेवल में। लेकिन रटना आप लोगों को बहुत पड़ेगा इस लेवल के लिए। मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट में आप लोगों को उतना ज्यादा रटना नहीं होता, लेकिन इस लेवल पे रटिए, खूब सारा रटिए। द लूनेटिक, ये मैं आंसर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी
स्टूडेंट्स ने कहा कि मुझसे रटा नहीं जाता है या मैं रट नहीं पाता हूँ, तो रट नहीं पाते हो तो भैया कार्ड बनाइए, कार्ड्स बनाइए, क्योंकि मैं खुद ऐसा मतलब माइंडसेट का इंसान हूँ, आप कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड का इंसान हूँ जिसको रटना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना लेता हूँ, और कार्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मुझे मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स यूज करना शुरू किया, बहुत सारे फैक्ट्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स आई कैन रिमेम्बर नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। सो यू मस्ट डू इट, एंड इफ यू आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस यू विल एक्युमुलेट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो ठीक है, ये आप कीजिए, और इसीलिए मैंने ये बताया है क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे और मैसेजेस आए थे। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, और एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड अप विद अ स्लीप। प्रॉस्पेरो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन दिस स्टेज। दिस वर्क इज दिस लाइन इज फ्रॉम मैकबेथ द वर्क। इन नेक्स्ट वी विल डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट एंड विल कीप ऑन गोइंग। सो इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स प्रेपरेशन, एंड इफ यू विश टू ज्वाइन यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 7409287156। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।